बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डी टी वी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान निगरा सेटअप के मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर शेख नासिर हुसैन ज़मानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शेख साहब आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन हम भी ये जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर्स भी आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आप डेफिनेटली जहाँ पे आप निगरान सेटअप के अंदर है वहाँ पे आपका हम प्रोफाइल देखते हैं तो आपके सोशल सेक्टर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान के हवाले से आपका अहम किरदार है, तो आप अपना जो सोशल प्रोफाइल है इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को कुछ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहि नस्तईन व हुवा खैरुल मईन। समर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, जहमत उठा लिया कि सोशल फैक्टर पे होने वाली खिदमत और सोशल फैक्टर के अंदर दरपेश मसाइल और मुश्किलात को उजागर करके लोगों को बेहतर सहूलियात और इम्कानात पहुंचाने के हवाले से जो आपकी अनथक मेहनतें इससे पहले भी हो चुकी हैं और अब भी आपने जहमत उठाकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं खुलासतन ये अर्ज़ करूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। सोशल फैक्टर के अंदर मैं अरसा तकरीबन 20 से 25 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैं काम करता हूँ और इब्तदा मैंने जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सोशल फैक्टर से काम शुरू किया, इसकी वजूहत ये हैं कि मैं ख़ुद एक देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ। मेरा ताल्लुक बगरोट एरिया से है कि जिसके लिए अब भी रोड की फिजिबल से आने जाने के हालात जो है वो रोड आधा कुछ मेटल हो चुका है, बाकी रोड अब भी गठन है, मुश्किलात हैं। तो किसी ज़माने में हम जीप एवल रोड पर आते थे तो मैं वहाँ बगरोट से होते होने की वजह से बगरोट के मुश्किलात वहाँ के, जब उस देहात से आते हुए लोगों को इतनी मुश्किलात थी जो गिलगित से कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है, तो जो गिलगित से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर इलाकों के अंदर कितनी मुश्किलात होंगी। बिलखसूस उस वक़्त मैं मुशाहिदा कर रहा था कि जो मरीज़ लेकर आते थे वहाँ से, वो मरीज़ बिलखसूस माँ बच्चे को, ऊपर मैंने हॉस्पिटल बनाया, सेहत फाउंडेशन जिसकी बुनियाद रखी, उसकी वजूहत भी ये हो गई कि वहाँ से मरीज़ को लेकर आते थे एक टोयोटा जीप के अंदर, वहाँ एक खातून को बिठा कर सवारी भी बैठते थे, वो अपनी बीमारी की वजह से चिल्ला रही थी, कराह रही थी। ये मुश्किलात देखकर मेरे दिल के अंदर मुझे दुख पैदा होता था। मैं स्टूडेंट था, तालिबे इल्म था, दीनी तालिबे इल्म था, मेरे हाथ से उससे बढ़कर कुछ नहीं आ सकता था। मैं यही दुआ हर वक्त करता था कि खुदा मुझे तौफीक दे दे कि मैं इस दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। होते होते जब मैं उनसे फारिग होकर इधर आ गया तो फिर मैंने पहले ही ये नियत बांध दी कि मैं सोशल फैक्टर के अंदर काम करूँ। उस वक़्त मैंने जाकर सेहत फाउंडेशन की बुनियाद रखी, कराची का या कुछ यार दोस्त साथी मुझे मिले, आए हमने, और उस वक़्त जब हमने बुनियाद रखी तो हमें कोई स्वीपर नहीं था, सेहत फाउंडेशन में कोई चौकीदार मुझे नहीं मिला था। हमने 4 साल तक एज ए स्वीपर सेहत फाउंडेशन में काम किया अपना। हम खुद कचरा उठाते थे, हम खुद हॉस्पिटल की सफाई करते थे। खुदा का करना ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता 2005 में मुझे कराची के कुछ साथियों ने साथ दिया, हमने ज़मीन खरीदी और फिर 2007 में हमने तामीरात का काम शुरू किया। इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त भी मौजूद है मेरे हॉस्पिटल की डायरेक्टर है मैडम फरजाना, जो नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल भी है और सेहत फाउंडेशन के डायरेक्टर भी है। इस पूरे हॉस्पिटल का वजूद में लाना और इस हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाना
इस खानदान की मरहून मिन्नत है कि जो यहाँ पर आ गई इस गिलगित बल्तिस्तान में उस इलाके में, उस वक़्त वो हमदर्द हॉस्पिटल में होती थी, उसने हमदर्द हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आ गई। यहाँ आकर उसने इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए, उस वक़्त गिलगित में न नेट चलता था न मोबाइल सर्विस थी, बहुत कम लोग थे जिनके पास टेलीफोन घर में होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर सूरत हमने कोशिश की। तो उस वक़्त हम मुझे कराची से साथियों ने कहा कि मौलाना अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब जो कि सरबराह हैं, उनके तवसुत से हमने नर्सिंग ट्रेनिंग का शुरू करा दिया। जब तक हम हेल्थ के अंदर HR पैदा नहीं करेंगे उसके बगैर यहाँ पर काम नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2,500 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ फैला हुआ है और पूरी नर्सें सेहत फाउंडेशन से ट्रेन होकर गई हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर स्कूल में चला रहा हूँ। एक ज़माना था कि हमें 15-20 बच्चियाँ पूरी नहीं होती थी, ढूंढ ढांड के लाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब खुदा के फजल करम से ये आया है कि अगर हम 50 या 100 बच्चियों का इश्तहार देते हैं तो वेटिंग में 100-150 बच्चियाँ होती हैं। आज मैं इस बिना पर खुश भी हूँ और कौम के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़े ही समझ ले कि 1122 के अंदर जितनी बच्चियाँ काम करती हैं वो मेरे हॉस्पिटल की ट्रेन है, सेहत फाउंडेशन की, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से स्कूल में। और इसी तरह से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मेजर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, DHQ है हमारा, डे नाइट में मेरी 25 बच्चियां 20 बच्चियां जाती हैं जो वहां पर काम करती हैं, उनके लिए पिक एंड ड्रॉप, उनकी रहाइश और उनके सहूलियात की सारी चीज़ें मैं सेहत फाउंडेशन से देता हूँ। इसी तरह से 20 बच्चियाँ मेरी उसमें जाती हैं सिटी हॉस्पिटल में, उनके भी पिक एंड ड्राप और रहाइश और सारे इम्कान में देता हूँ। इसी तरह से GMC में जाती हैं, CMH में जाती हैं और फैमिली हेल्थ में मेरी बच्चियाँ जाती हैं जो सेहत फाउंडेशन से मैं इन बच्चियों को भेजता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त मेरे ट्रेन बच्चियाँ गुलथरी में काम करती हैं, नगिर में काम करती हैं, बथरेत में काम करती हैं, गोजाल में मेरी बच्चियाँ हैं, अपर गोजाल में, इसी तरह से अस्तोर साइड पर मेरी बच्चियां हैं। तो मैं मुख्तलिफ जगहों पर यह काम चला रहा हूं और शुक्र खुदा का ये है कि मैंने सोशल फैक्टर पर सिर्फ गिलगित को नहीं लिया बल्कि दियामर एरिया में भी हमने काम किया है, तांगीर हो, चिलास हो, थकनियात एरिया हो, कि जहां पर हमने स्कूल और एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम किया है। और उसके अलावा साथ साथ मैं पूरे एरियाज़ के अंदर मैं खुद जाता हूँ, फिर मेडिकल कैंप लगाता हूँ और जहाँ दुखी इंसानियत के लिए, उसकी इंसानी खिदमत के लिए जो जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। खैर मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं ले लूँगा, उस पर बताने पर आ जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। मैं अब इस इंशाल्लाह कोशिश में हूँ, मेरे साथ कुछ साथियों ने साथ दिए है कि मैं अपनी इस फालियत के अंदर ये बाबूसर साइड पर गिटी दास में जो बस का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में असल ज़्यादा जानों का नुकसान इस बिना पर हुआ कि वहाँ पर टाइम पर उनके लिए हेल्थ नहीं मिल गया। वहाँ पर अगर फर्स्ट एड वहाँ में दे देते तो बहुत सारी जानें बच जाती थी। तो अब मैं एक साथी के साथ ये तय हुआ है कि मैं बाबूसर टॉप पर एक फ़र्स्ट एड सेंटर बना रहा हूँ कि जहाँ पर एक एम्बुलेंस के साथ 2-3 मेडिकल के सेटअप वहाँ पर 24 घंटा बैठेंगे और वहाँ जितने वो टूरिज़्म के लोग आते हैं या मुसाफिर जाते हैं, खुदा न खासे किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए तो हेल्थ लेवल पर वो उनकी मदद करेंगे। इसी तरह से रिमोट एरियाज़ के अंदर मैं काम करता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते हैं, सिटी के अंदर बहुत सारे लोग खिदमत कर अंजाम देते हैं। ये कमाल नहीं है कि सिटी शहर गिलगित के अंदर खिदमत अंजाम देने का, कमाल ये है कि दूसरी साइटों पर जाकर खिदमत अंजाम देने का। इसी के साथ साथ फिर वो हमने दोबारा सोशल फैक्टर के अंदर फिर हमने जवार कलवाली साहब के साथ मिलकर GBIS गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बुनियाद रखी। इसकी वजूहत ये हुई कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नर्सिंग स्टाफ पर तो हमने काम कर लिया लेकिन टेक्निकल स्टाफ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने पाकिस्तान मेडिकल फैकल्टी से, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से एफिलेशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50-60 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं और अभी इसी महीने के 18-19 को उनके एग्ज़ाम चलते हैं, 2 साल डिप्लोमा हम कराते हैं।
और अगले एडमिशन के लिए इस वक्त हमारे फॉर्म चलते हैं, उसमें भी सोशल फैक्टर में भी है कि जो दूर दराज से लोग आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको जो कुछ हमारे हाथ से आ सकते हैं स्कॉलरशिप का भी हम कर देते हैं, और वहाँ पर रहाइश भी है, पिक एंड ड्रॉप भी है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हमने वो इदारा वजूद में लाया कि बिलखसूस थिएटर, लैब और सिटी स्कैन और MRI के अंदर कि फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल सेटअप यहाँ किसी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिबिस से टेक्निकल सेटअप के अंदर, OT के अंदर, लेबॉरेटरी के अंदर, सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड के लिए टेक्नीशियन हमने पैदा किए, और इंशाल्लाह अगले साल से वो बाकायदा हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे देंगे कि जिससे वजह से जो फ़ीमेल सेटअप के लिए जो खिदमत अंजाम देने के लिए फ़ीमेल टेक्नीशियन की ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है जो अरसा दराज से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी खिदमत नहीं है। डेफिनेटली शेख साहब, आपने जो अपनी सोशल प्रोफाइल को आपने डिस्कस किया, बहुत ही अप्रिशिएटेबल है आपकी जो सर्विसेज है गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह आपको इसका मजीद अजर दे दे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो सोशल वर्क है, सामाजिक खिदमत, कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, ये जो जॉब है ये बहुत मुश्किल है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और दूसरा, आप दुखी इंसानियत की जब खिदमत करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये है कि जो इंसान सोशल फैक्टर पर काम करता है ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर फालिज गिरता है। दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया सोशल फैक्टर वालों को कहती है कि दुनिया सब कुछ, सारी चीज़ें इसके पास है। मिसाल के तौर पर आप अब्दुलस्तार ईदी का ले लें, दुनिया उसको उसके पास समझती थी कि पूरी दुनिया इसके पास है, लेकिन जब करीब से जाके बैठे तो वो फटी पुराने स्लीपर पर चलता था। ज़ाहिर बात है वो हिफाती पुराने स्लीपर के साथ वो फंडिंग के लिए UK या कनाडा तो नहीं जा सकता था, बिलाकर जूता पहन के जाना था। बिल्कुल, ये अंदरूनी तौर पर जो सोशल फैक्टर पे काम करता है उसकी ज़िंदगी पे फालिज गिरता है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी। इसलिए कि आपको जो डोनर, मिसाल देता हूँ, आपको 5 या 10 बॉल पॉइंट देता है, ये तकसीम करना है, आप एक बॉल पॉइंट उठा कर रखते हैं तो वो डोनर ये कहता है कि भाई मैं अपने बच्चों का पेट काट काट के 5 बॉल पॉइंट आपको दे रहा हूँ, आप इन 5 के 5 को पहुँचाने की ताकत नहीं रखते हो तो आप खाइन है, लिजा मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। मैं 5 दे रहा हूँ, आपने मुझे 5 लेने का वादा मनवा लिया, तो आप क्या खिदमत दे देंगे उधर? तो इस बिना पर उस चीज़ के ऊपर उतरना मुश्किल है इस क्राइटेरिया के ऊपर। और उसके बाद जब उसके ऊपर उतर आया तो जो खिदमत आप दुखी इंसानियत के करते हैं, बिलखसूस किसी मरीज़ को या तकलीफ़ में मुबतला होते हैं, जब आप उसकी तकलीफ़ को दूर करते हैं, जब आप उसकी मुश्किल को दूर करते हैं, तो उसके चेहरे में जो मुस्कुराहट आती है, जो सुकून उसके चेहरे में आता है, तो वो आपको समझ लो कि पूरी दुनिया आपके सामने बिखर जाती है कि भाई मैंने आज ये काम कर दिया है। कभी कभार ख़तरात यही आता है कि शैतान जहन के अंदर मगरूरियत भी पैदा करता है, कि इसलिए उससे बचने के लिए इंसान को कोशिश करना पड़ता है कि दुखी इंसानियत को बचाने के लिए। रही बात दूसरा सोशल फैक्टर के अंदर, कि अगर आप वाकई सोशल फैक्टर के अंदर जाके देखें कि लोगों के अंदर ये मुश्किलात हैं, तकलीफ़ात हैं, और ख़ुदा ने मुझे उनका सहारा बनाया है। मिसाल के तौर पर अभी मेरा हॉस्पिटल ले ले, सेहत फाउंडेशन, मेरे पास OPD चलती है, 150 रुपये लेता हूँ OPD, और उस कार्ड को आपने लेकर आना है कि सेहत फाउंडेशन से आपने मिसाल के तौर पर ये कार्ड हमने बनवा दिया है 150 रुपये का, और उसी कार्ड को आपने आके चेक कराना है, मज़ीद आपने 150 रुपये देना नहीं है। अगर कार्ड आपसे गुम गया तो आपने दोबारा कार्ड बनाना है, 150 रुपये। अब 150 रुपये ये नहीं कि खाली आपके पास MO है, मेरे पास स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट रहता है, गायनी डॉक्टर मेरे पास है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ये दूसरा, मेरे पास नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाए, नॉर्मल डिलीवरी इस वक्त 50 से 60 हज़ार की होती है, मेरे पास 700 रुपये की होती है, चेक करेगा अमली तौर पर कोई जाकर। उसके बाद हमारे पास C-section होता है या कोई मेजर ऑपरेशन होता है, कुल्लन हमारे पास 32 से जाकर 40 हज़ार रुपये खर्च आते हैं टोटली, जबकि ये ऑपरेशन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं 1.5 लाख से 2 लाख का खर्च आता है। और ये इसी ऑपरेशन में हम 3 दिन फ्री रखते हैं, सर्विस चार्जेस भी फ्री हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी वो एक जगह से नहीं होते, मुख्तलिफ जगहों से इसको बराबर करना पड़ता है। जब ये सहूलियात हैं तो कोई आकर उस चीज़ को इस्तेफादा करे, वहाँ से वो सेहतियाब होकर जाएँ, तो समझ लो कि भाई आपने वो काम कर दिया कि खुदा फरमाता है कि जिसने एक इंसान को बचाया, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कि जो खुशी और जो सुकून इंसान के दिल को पैदा हो जाता है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये जो मुझे मेरे नज़रों में बहुत सारे ऐसे वाकयात गुजर गए हैं कि मैंने देखा कि यहाँ पर हो गया कि वाकयात बिलखसूस में जो उस वक्त खुशी हो गई इंतहाई कि जब गीति दास में जब हादसा पेश हुआ 21 लाशों को लेकर आ गए गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पर गिलगित में लेकर आ गए हेलीपैड में, उन्होंने पाक आर्मी ने उतारा तो किसी हॉस्पिटल में पास ये इम्कानात नहीं थी कि इनको रख कर इनकी स्टिचिंग करें और लाशों के अंदर ये मेल कौन है फीमेल कौन है उसके शिनाख्त के लिए। वाहिद में था नासिर ज़मानी एज ए सोशल फैक्टर सेहत फाउंडेशन की तरफ से, मैंने उसको उनको दनियोर लाया, मेरी सेहत फाउंडेशन की बच्चियों ने उन लाशों कोई डेड बॉडीज़ को देखा, ख्वातीन को अलग किया, उनकी स्टिचिज किया, फिर आगे जामा मस्जिद में उनकी तजहीज़ व तकफीन के मराहिल पूरे कर दिया, उधर से फिर उनको क्लियर करके जगह जगह भेज दिया। तो वो जो खुशी जिस वक्त मुझे हो रही थी कि मेरी बच्चियां जो काम कर रही थी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इंसान बयान नहीं कर सकता है। तो ये ऐसे मौके हैं कि इंसान सबको तौफीक दे दे कि सोशल फैक्टर पर दुखी इंसानियत का काम करे, वो हर किसी को नसीब नहीं होता है। अच्छा शेख साहब, खिदमत खलक को, क्योंकि आप एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, उसको इबादत के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो इसको आप कैसे कहेंगे? क्या आया एक बंदा सोशल काम करता है तो वो उस इबादत के उस दर्जे में आ जाएगा? मतलब कहा जाता है कि आप हर अच्छा काम इबादत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इबादत के दो पहलू हैं। इबादत से मुराद ये है कि इबादत एक दुआ है। एक इबादत जो है वो आप लेते हैं कि जिस तरह से मेरी नमाज है, वो जो मैं जितनी बड़ी खिदमत भी करूं वो मेरे फजर के नमाज का टाइम, वो फजर के नमाज की जगह नहीं ले सकती है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर रात भर आप आज़ादारी सैयद शहदा करते हैं, इमाम हुसैन का मातम करते हैं, सुबह नमाज ना पढ़े, वो उसकी जगह नहीं लेती है, उसकी जगह पर नहीं आते। आप जितने बड़ा सोशल काम करें, बंदगान खुदा की खिदमत करें, वो आपकी इबादत की जगह नहीं लाते हैं, लेकिन सवाब को आपको उसकी इबादत की तरह का सवाब मिलता है, आपको उसका अजर मिलता है कि आपने इतना किसी की खिदमत की, आपको इतना अजर मिलेगा। ये एक इबादत है। इबादत से मुराद यही कि एक खुदा की बंदगी बजा ला रहे हो, कि खुदा के एक बंदगे बंदे की आप मदद कर रहे हैं उस रब की तरफ, वही उस वक्त हाथ उठाते हैं कि खुदाया मुझे और तौफीक दे दे कि मैं मज़ीद दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं, मज़ीद इनकी बेहतरी के लिए सोच सकूं। जिस तरह से मैं आपको बता दूँ, ये COVID-19 आया, मैं पर्सनली तौर पर यहाँ दूर दराज के इलाकों में, गिलगित के अंदर, मैं सिटी के अंदर नहीं, जिस तरह से हमारे थोर साइट है, हमारे खिन्नर साइट है, इसी तरह से आगे हमारे बथरेज साइट है, इसी तरह जो दूर दराज के ये इलाके हैं, उन इलाकों में हम मेडिकल की फैसिलिटीज़ और उनके इम्कान हम पहुँचाने के लिए हम खुद वहीं पर गए। लेकिन वो उसको पहुँचाना, ये एक इबादत है। इस इबादत का सवाब मुझे उस नमाज की जगह पर नहीं है, ये अलग से मुझे इसका अजर मिलता है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आपके पास सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी है, तो आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सामाजिक खिदमत का ये जज्बा है, ये किस हद तक है? हुकूमती सतह पर इस हवाले से किस हद तक काम होता है? आपके आने से पहले क्या था, आने के बाद आपने क्या रिफॉर्म्स लाया है, और फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है? समर भाई, सोशल वेलफेयर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में अगर हकीकता ना पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। बिल्कुल, एक गवर्नमेंट की तरफ से मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त गिलगित, पूरे गिलगित के अंदर जो इंतहाई सिनफ नाजुक है, मसलन हमारी माएँ बहनें ख्वातीन हैं, बिल्कुल है, ये बस अवकात मुख्तलिफ मामलात के बिना पर भी हो जाते हैं। कोई खातून घर से निकलती है, कोई बच्ची घर से निकलती है, या कोई कोर्ट में तलाक का केस चलता है, या कोई और मामला चलता है, उस खातून के लिए बैठने की जगह नहीं है, उसको अदालत कहाँ भेजती है? चारा नहीं है, या किसी मौलवी के घर भेज देती है, या उसको वापस वुमेन थाने के हवाले करती है। जो थाने के अंदर जाती है तो उसके जहन मज़ीद ख़राबी की तरफ चला जाता है, सुकून नहीं पाते हैं वो वहाँ पर।
आज तक गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो सोशल वेलफेयर ने, कोई शेल्टर होम नहीं बनाया, वजूद नहीं है। अभी हमने आके देखा तो कहते कि भाई बिल्डिंग बन रही है, कल अगर ये बिल्डिंग नेबजदा ना हो जाए तो तब ये बिल्डिंग पर कोई थोड़ा कुछ काम हो जाएगा। अभी तक ये इस पर नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, पनागाह है, पूरे पाकिस्तान में पनागाह का वजूद आया है, ये सोशल वेलफेयर का काम है। गिलगित में अभी तक पनागाह वजूद में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब उसको आगे लेके जाना, तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा जो है वो इस वक्त चाइल्ड प्रोडक्शन है। नहीं, इसमें मौलाना साहब आपके पास जो सोशल वेलफेयर है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या हिम्मत अमली है कि आप क्या लेके आना चाहते हैं? डेफिनेटली मैं इस पर आ रहा हूँ, मैं इस पर आ जाऊँगा। नहीं, हम वन बाई वन जाएंगे, मैं आऊँगा, मैं इस पर आता हूँ। मैं अभी बता दूँगा मेरा क्या सोच है, मैं अभी एक सोच के ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहतरम हफीज़ुर रहमान साहब की हुकूमत थी, मैंने एक लेटर गुजारा उनको, मैंने कहा कि भाई मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि जहाँ बे औलाद बूढ़े अफराद, ये सोशल वेलफेयर वालों का काम है, हाँ, सीनियर जो सिटीज़न है वहाँ पे रह सके, ठीक है, जिसकी औलाद नहीं है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो एक लाइलाज मरीज़ है, जवान हो या बूढ़ा हो, जो डेढ़ साल दो साल के लिए लाइलाज करार देते हैं, इसको केयर करना उसके घर वाले थक जाते हैं मौजूदा निज़ाम ज़िंदगी में। इसकी वजह यह है कि हमारी तरबियत इस माहौल पर नहीं हो गई है। अक्सर यहाँ पर कहते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे बच्चियों को जमा करके कहते हैं कि हम इनको तरबियत देते हैं, मैं इसका मुखालिफ हूँ। अच्छा, वो कैसे? इस तरबियत का मुखालिफ नहीं हूँ, इस तरीके का मुखालिफ हूँ। वो इसलिए कि भाई आप इस बच्चे को तरबियत देने की बजाय पहले इसके माँ बाप को तरबियत दे दो। हमने कब माँ और बाप को ये बताया है कि बच्चे की तरबियत इस तरह करनी चाहिए, बच्चे को इस तरह रखना चाहिए, बच्चे को इस तरह खिलाना चाहिए, बच्चे को इस तरह पढ़ाना चाहिए, बच्चे को इस सोसाइटी के साथ रखना चाहिए, बच्चे की सोसाइटी इस तरह चेक करना चाहिए? जब तक हम उस माँ बाप को नहीं बता देंगे, माँ और बाप की इस तरबियत नहीं करेंगे, आप जवान की जितनी भी तरबियत करें वो नहीं हो सकता है, बहुत कम होंगे। ठीक ठीक, अब आ जाओ। तो उस वक्त मैंने कहा कि भाई एक तो ये, दूसरा ये कि भाई उसमें ला इलाज जो अफराद की, चूँकि घर वाले थक जाते हैं तो उनको उठा के मैं इधर लाऊं, उनका इलाज, उनका मेडिसिन भी टाइम पर मैं दे दूं, उनके मेडिकल केयर मैं करूँगा। उसके साथ फिर ये बाज़ार में जो ये कहना अच्छा नहीं है, जो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होकर बाज़ार में चलते हैं, अक्सर बेशतर मेरे साथ एक दो साथी हैं ये बाज़ार में, हम जो दीवाने वगैरह फिरते हैं, हम एक्सरे करते हैं, महीने में दो तीन मरतबा हम इनको उठाते हैं और इनको हम ले जाकर हमाम में ले जाकर इनको नहला दोहला कर इनके बाल वगैरह काट के उनको कपड़े पहना के उनको लाकर बाज़ार में रखते हैं। ये महीने में चार पांच मरतबा में ये काम करता हूँ, ये मैं ख़ुद पर्सनल करता हूँ। कभी कभार आपने बाज़ार में देखा होगा कि ये दीवाने चलने वाले अच्छी दाढ़ी के साथ अच्छे से कपड़े पहन के बाहर आते हैं, वो काम हम लोग करते हैं, मेरे साथ एक दो साथी हैं, हम करते हैं और वो सारे से हम अपने हाथ से ही करते हैं, वो नाई के हवाले नहीं करते हैं। उसके बाल काटते हैं तो हम खुद काटते हैं, उसके कपड़े उतार के नहलाते हैं तो हम खुद नहलाते हैं, कपड़े हम खुद पहनाते हैं, ये नहीं करते कि भाई ये नाई का, नाई करेगा, नाई के लिए उस टाइम का हम दो घंटे तीन घंटे का उसको चार्ज करते हैं, वो हम खुद करते हैं, उनको बाज़ार में छोड़ते हैं। तो मैं उस वक्त मैं देखता हूँ कि वो कोई दो या तीन घंटे तक वो उस कपड़े में, उस नहलाने की उसकी वजह से देखता हूँ तो उसकी ज़हनी तवाज़ुन में थोड़ा फ़र्क आता है, माहौल का असर होता है, असर की वजह से। तो मैंने कहा कि भाई मैं इनको इकट्ठा करना चाहता हूँ, वहाँ हर उस ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने वाले की एक सोच है, उसकी सोच के मुताबिक मसलन वो कुछ लोगों के साथ गप लगाना चाहता है, मैं कुछ अफराद को लाऊंगा वो गप लगा देंगे, वो आउटिंग का सोचते हैं, एक गाड़ी में उसका आउटिंग करा देंगे। अब उनके पास कुछ के पास हुनर है, वो अपने हुनर से मोहब्बत रखते हैं, मसलन कोई लकड़ी का काम करता था, कोई पत्थर बनाने से काम करता था, बनाई का काम करता, कोई सिलाई का काम करता था, उससे वो काम भी ले लें वहाँ पर। तो गवर्नमेंट को मैंने उनको लिखा कि भाई मुझे 20 कनाल की ज़मीन की ज़रूरत है, इस पर मेरे पास डोनर मौजूद है, मैं इस पर मुख्तलिफ किस्म के वो चीज़ें बना दूँगा, प्रोजेक्ट्स बना दूँगा और इनको बाकायदा केयर करूँगा। उन्होंने ओके किया, दे दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हो गया, लेकिन मामला क्या हो गया, अभी तक ये 5 साल पूरे हो गए कि गिलगित की तहसील जो है वो मुझे पूरे जीव गिलगित के अंदर 20 कनाल ज़मीन बराबर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्या ज़मीन नहीं है? ज़मीन भी है,
क्यों नहीं कर सकते? नीयत ठीक नहीं है। अब मैं जाता हूँ तो जो डोनर मुझे ये बनाना चाहता है वो कहता है कि भैया आपको ज़मीन के भी कंपनसेशन दे दूँ तो इसको स्ट्रक्चर बनाने को के ऊपर खर्चा कौन दे देगा? वाकन एक ज़मीन भी खरीदे, मैं थोड़ी ज़मीन भी अपने इलाके के बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए नहीं दे सकता हूँ, तो फिर इस गिलगित के अंदर हमें रहना कहाँ की नहीं है। तो मैंने ये प्रोग्राम उनको दिया था कि भाई इसको लेकर आ जाए, ये करेंगे। अभी सोशल फैक्टर के अंदर देखें, सोशल वेलफेयर के अंदर हम यहाँ पर हमने एक टेंट चढ़ाया भैया, बस यतीम खाने बनाओ, और उसका नाम भी उसको भी हमने कह दिया यतीम खाना। गवर्नमेंट ने भी बना दिया यतीम खाना, प्राइवेट में भी दिया यतीम खाना। जो बच्चे 8th और 9th के बाद जाता है तो वो एहसास कमतरी में शिकार होता है, वो कहता है मैं यतीम खाने में पढ़ता हूँ, यानी क्या मेरा बाप नहीं है, मेरा पैसा कोई और देता है। वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है और वो इदारे छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं ताज़ा सोशल वेलफेयर के अंदर उस डिपार्टमेंट को संभालने के बाद, जिम्मेदारी के बाद, मैं पूरे पंजाब में घूम कर आया, मैं आमदन गया पूरे पंजाब को देखने के लिए। वहाँ मुझे खुशी महसूस हो गई, मैं वहाँ गया तो रावलपिंडी में ही आप जाए हैं ऊपर सदर साइड पर बाकायदा उनका स्कूल है, क्या नाम है उसका, क्या इंटरनेशनल, हाँ दारुसकून पब्लिक प्लान स्कूल, इस तरह नाम एक बेहतरीन नाम के साथ। अब वहाँ जाकर मैं देखूँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मैंने पूछा बेटा आप किस क्लास में, एक कहते मैं MSc कर रहा हूँ, एक कहते मैं BEd कर रहा हूँ, एक कहते जना वाली मैं MA कर रहा हूँ, एक कहते मैं FSc में हूँ, और खुश खुर्रम अब उसके साथ। फिर वहाँ पर उधर मैंने देखा कि भाई वहाँ पर ये जो नादार ख़वातीन है उनको उठाकर बाकायदे उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए हैं, उस सेंटर के अंदर वो ख़वातीन व खातून व खातून वहाँ पर काम करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर भी मैं अभी शुरू करने वाला हूँ इंशाल्लाह, मैं टाइम मिला तो कि चाहते कि भाई ये जो नादार ख़वातीन है, नादार बच्चियाँ हैं हमारी, उनको हम एक जगह पर वो वोकेशनल सेंटर दे दें। अब बाज़ार के अंदर जाएँ, बाहर जाएँ, बहुत सारे किसी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हम जा कर देखिए इस साल आपके स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म हम तैयार करते हैं, बाज़ार से 10 रुपये हम आपको सस्ते दे देंगे, कपड़ा आप पसंद करें, दूसरी चीज़ आप दे दें वो हम करके दे देंगे। अब वो वहाँ पर 20, 25, 40 खवातीन को वहाँ सिलाई पर बैठा दें तो हम मंथली हर खातून को 50 से 40 हज़ार रुपये जो है वो उसको सैलरी बन जाती है, तो जिससे वो नादार घरानों के अंदर एक आमदन आ जाएगी तो उनके बच्चों की तरबियत सही हो जाएगी। इस फैक्टर पर भी मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। दूसरा मैंने ताज़ा ये जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है इस हवाले से मेरी तफसीली मीटिंग भी हो गई है मोहतरम हमारी मैडम सानिया निश्तर साहिबा से, वो उसको मैंने कहा कि भाई इस तरह से वो प्रपोजल बनाकर रिपोर्ट आपको देकर नहीं होता है, ख्वातीन को ऊपर काम करने के लिए आप खुद गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, वो आ रही हैं करीब इंशाल्लाह इधर, वो उसके साथ मिलकर फिर इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में हैं, अभी देखें हम कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आपके पास पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी है, डेफिनेटली ये दुनिया का सबसे अहम शोबा है, दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो बढ़ती हुई आबादी है, स्पेशली हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के डायनेमिक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन है, मीन्स एक घर में रिसोर्सेज कम है, कमाने वाला एक है, खाने वाले ज़्यादा हैं, इस तरह यहाँ पे भी आबादी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो इसको ओवरकम करने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और इस्लामी हवाले से इसके क्या गाइडलाइंस हैं इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और अपनी बेहतर ज़िंदगी हम गुजारने के लिए एक आम आदमी को क्या करना है? पॉपुलेशन के हवाले से ताज़ा मैं 2 दिन हो गए इस्लामाबाद में एक सेमिनार थी, सेमिनार को अटेंड करके आ रहा हूँ, उसमें पॉपुलेशन की खातून थी वो यूनिसेफ की मिस लीना मूसा जो है वो उनकी कोऑर्डिनेटर थी, वो उधर थी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चीफ गेस्ट थे उसमें, फिर यहाँ से सोशल वेलफेयर की पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान KPK और वफाकी हुकूमत से जो मिनिस्टर हैं ये सारे थे वहाँ पर वो करके आए, वहाँ पर भी मैंने ये बात उठा दी। यहाँ पर भी ये है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सोशल डिपार्टमेंट चाहे उसके अंदर ये जो पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें आती हैं, कमज़ोर तरीन डिपार्टमेंट ये है, आप यकीन नहीं करोगे, ये कमज़ोर तरीन डिपार्टमेंट है, यानी जहाँ कहीं से कोई सदका बचता है तो इस डिपार्टमेंट को दिया जाता है, अदर इसके पास कुछ नहीं होता है, हालांकि ये सबसे अहम हमारे सबसे अहम सेगमेंट है सोसाइटी का, माशरे का, ठीक है।
यहाँ पर न इनके पास फंड है, न इनके पास कोई दूसरे रिसोर्सेस है, इम्कानात नहीं है। अगर यहाँ पर सोशल फैक्टर पर प्राइवेट लेवल पर काम करने वाला आदमी बैठे तो वो काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट लेवल पर लोगों को अतियात और खिदमत और चीज़ें देने के लोग हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर मैं जो प्राइवेट जो चल रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल नहीं, मैं आज फंड जितनी की मैं लोकली करता हूँ, पाकिस्तान से कर रहा हूँ। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर वो अफराद मौजूद हैं आज भी करने के लिए। पॉपुलेशन के हवाले से मैं इस्लामाबाद में था, सितम बालाए सितम ये है हमारे पास कि जो मैपिंग बनाया रहा था, मैपिंग ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान, तो वो है इस्लामाबाद का। हम यहाँ पर किसी ज़माने में वो निसार हसन से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आप गिलगित बल्तिस्तान वालों को, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं। आज से 6-7 साल पहले की बात है, उस वक़्त कश्मीर अफेयर नहीं था बल्कि काना डिवीज़न कहते थे। तो उसने एक ज़बरदस्त जुमला कहा गिलगित बल्तिस्तान वालों को, गिलगित बल्तिस्तान गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम एक काना के अंदर में, हसन निसार ने कहा था गुलाम इब्न गुलाम एक काना के अंदर में। अब उसने मैप बनाया, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उसको कहा बेटा आप मुझे बता दो, आपने गिलगित की मैपिंग तो कर दी, ये जो बता दिया कि गिलगित के अंदर क्या, गिजर के अंदर क्या, चतराल के अंदर क्या, सिकरदो बल्तिस्तान के अंदर क्या, दियामर में कैसा, अस्तोर में कैसा, बनाइए तो दे दिए, मुझे बता दे इस वक्त गुलतरी में बर्फ़ कितनी पड़ी है, पता नहीं। अच्छा मुझे ये बता दे क्या इस वक्त मैं मीरमर्ग जा सकता हूँ, क्या अपर गोजाल के लिए रास्ता खुला है। तो मैंने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर से कहा, सदर साहब ये देखे मेरे घर की खिड़की दरवाज़े हैं या नहीं और कैसे हैं, वो इस्लामाबाद वाले से पूछा जाता है, वो मुझसे पूछे, मुझसे बनवाए ना, मैं बेहतर बना दूंगा। तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन के हवाले से हमने जो अवेयरनेस देना है, वो जो देहातों में हमने जाकर अवेयरनेस देना है, वो अवेयरनेस हमने नहीं दिए। शरीय नुक्ता निगाह से ये है कि आप उसको अवेयरनेस दे दें कि भाई वो किसी बच्चे की कत्ल के हद तक नहीं आ जाए, उसको कबल अज़ वक्त उसको बता दें कि भाई क्या तरीक़ेकार हैं, क्या चीज़ें हैं जो शरीय हदूद के। इसीलिए मैंने यहाँ पर इससे पहले एक दो वर्कशॉप हो गए थे, उसमें एज ए सोशल वेलफेयर मुझे फैक्टर पर काम करने के हवाले से मुझे बुलाया, तो वहाँ पर मैंने मशवरा दिया था। और अब भी मेरा ये है कि अगर मेरी बात मान गई तो मैं अब भी ये कहता हूँ कि हर डिवीज़न के अंदर, हर ज़िले के अंदर, मसलन गिलगित से, बल्तिस्तान से, इसी तरह से दियामर से, हंजा नगीर से, एक उलमा उठा ले, आलिम दीन उठा ले, कि जो उस इलाके के अंदर जाकर जहाँ आपकी गैदरिंग होगी, जहाँ आपका प्रोग्राम होगा, वो दुरुस्त बता देगा कि भाई इस पॉपुलेशन के अंदर आपने क्या करना है। खानदानी मनसूबा, वही खानदानी मनसूबे का हवाले पॉपुलेशन पे आ गया, तो वही आ गया कि भाई उसमें शरीय नुक्ते निगाह से बता दे कि भाई आप किस तरह से आगे चल सकते हैं, मेडिसिन को आपने किस तरह कब यूज़ करना है, ये कब वाला जुमला समझाना ज़रूरी है। कि चूँकि अगर हम चुपके से ये कह दें कि भाई आप किसी भी टाइम पर आप मेडिसिन को यूज़ करें किसी पर, यहाँ पर बहुत सारे इंसानी जानों का कत्ल का मसला आ जाएगा। तो लिजा उस वक़्त तक हम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते हैं जब तक हम बराबर तरीके से ये काम नहीं करेंगे। तो इसमें एक बाकायदा सेंटर काम किया जाए और बाकायदा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये जफर मौज वाले लश्कर जो बन जाता है या क्रिकेट की पूरी टीम की टीम बन जाती है, या हमारे देहातों की पैदावार ज़्यादा होती है जहाँ अवेयरनेस नहीं होता है, जहाँ इनको पता ही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, खिदमत की। तो अब यहाँ पर मुख्तसर चल रहा है लेकिन नहीं है। अच्छा शेख साहब, आपके पास वुमेन डेवलपमेंट की जो वजारत भी आपके पास है, डेफिनेटली ख्वातीन का भी माशरे के अंदर अहम किरदार है। हमारे माशरे के अंदर तकरीबन 52% जो पॉपुलेशन है वो ख्वातीन की है। ख्वातीन को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनको मजबूत करने के लिए, उनके हुकूक को तहफ़ देने के लिए आपका महकमा क्या काम कर रहा है या क्या होना चाहिए? इस बिना पर भी आज ही एक सेमिनार चल रही है, उस पर सुबह मैंने स्पीच किया। मैं एक जुमला वैसे बता दूँ, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बात है।
ये अब जुमला अपनी ज़बान में बोलूँगा, बेहतर एजुकेशन हमें ही था वो जुमला। मैंने जब सैफ फोन रजन बचाया बनाया तो मुझे नर्सिंग स्कूल में 18 बच्चियों की ज़रूरत थी, अष्टांग मलाया ट्रेनिंग करते बोला थे। गिलित बल्तिस्तान स्टेंगे जा रसाइश मैंने छानती थे 18 मलाया बराबर थी दिवास कि पढ़ रुके करते मिश्ट मिश्ट गोटी एक दो कहते ना गया थे तो माजरत साथ देने साथ कई पर तो किस मट ए रही सही परुद देने जो माजरत साथ के वक्त मस तकलीफ मटन पैदा भी कि भाई मैं मैं सैर हूँ ऑपरेशन जो बात टंकी उतारा तो कित मुलाया ना अस अशी 20 साल पतु बबू ना 20 साल पीछे जाके देखो, अब की बात नहीं देखो, अभी कराची से भी कुछ आए हैं, लाहौर से कुछ आए हैं, कुछ यहाँ ट्रेंड हो गए हैं, अब की बात नहीं, 20 साल 22 साल पीछे जाके देखें। किसी खातून का ऑपरेशन हो गया तो उसके टंके उतारने के लिए बच्ची नहीं थी, किसी खातून का ज़ख्म आ गया है कोई ऐसी चीज़ है उसको स्टिच करना उसको पट्टी बांधना के लिए मैं बच्ची नहीं थी। ए वक्त तिजार नास तो मैं सैर हॉस्पिटल अट गया तो ये दीक नहीं ना बेश तो मस अन नर्सिंग ट्रेनिंग थरमुस तो काको तुस्त का शान पिचा तुस्त का छनेगा तो बेहतर भैया नहीं थी उस तो मत मिश्ट मिश्ट अपरा दिस रानस आला शेख मुझे तकरीर रखता नो थे तकरीर खुश थो नस नर खुतबा नम तो थे खुतबा टो नस आई जुमाई चुप भैया कुट माता मक तुम्हें तकरीर रखते खुतबा दे भाई ये 20 साल पहले मुझे ये जुमला अदा कर रहे हैं। एन ने जो एक मनोरक ओहन की को अनुगो साल नहीं यार माशो साल है दो दिजारा ना लागी नहीं वो तो शेख साहब मैं दिजारा दाखिला था रहता है नर्सिंग स्कूलर तो मस ए वक्त जो ख्वातीन को ऊपर काम करना शुरू कर दिया मैं उनकी खिदमा वो उनकी दुख उनके दर्द के ऊपर कि जिस वक़्त यहाँ इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए किसी ने सोचा ही नहीं था हैसियत ही नहीं दे रहे थे। अगर आज भी हम इस वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम न करें हम मुसलमान और वो अरब के जाहिलों में क्या फ़र्क होगा। बिल्कुल ये तो वो ज़माना था कि उस ज़माने में भी कुरान भी कहता है कि वह इज़ल मऊदत सुइलत बेअम बिन कुतिलत कल क़यामत के दिन उस जिंदा दरगोर की हुई बच्ची जो दफनाई गई थी जिंदा बच्ची को दफनाते थे बच्ची को आर समझते थे बेटी आर समझते थे जिस तरह से आज भी हमारे माशरे के अंदर कुछ वो लोग हैं कि जिसकी मुसलसल 3 या 4 बेटियां पैदा हों तो उसके माथे के बल जो है वो नाक क्रॉस कर जाते हैं वो घर के अंदर आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्यों वो बेटी को आर समझते हैं। जबकि इस्लाम ने कहा कि पैगंबर ने उठ के अपनी बेटी को जगह दे दी पैगंबर उठ के अपनी बेटी को जगह देता था पैगंबर ने फातिमा जहरा को अपने साथ लेकर आया पैगंबर ने जब ये सारा निज़ाम दे दिया पैगंबर ने दिखा दिया कि भाई बच्ची आपके आपके औलाद है फ़र्क नहीं पड़ता है तो लिजा आज हमारे माशरे के अंदर अब भी ये मौजूद है कि ख़वातीन को वो हैसियत वो मकाम नहीं दिया जाता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है आप क्या समझते हैं शेख साहब हमारा जो उलमा इकराम है नहीं या जो गवर्नमेंट है अवेयरनेस नहीं है इसमें पूरा माशरा ज़िम्मेदार है चाहे आप मुझ जैसे जो कम फहम जो वाकान जो मेंबर पर बोलते हैं वो उलमा बोलते हैं मेरी तरह कम फहम नासाज नासमझ उलमा बैठेंगे माशरा घर का माहौल और साथ में आ जाकर गवर्नमेंट अब वुमेन डेवलपमेंट के लिए आप मुझे ये बता दें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे 5-6 साल 10 साल होंगे वुमेन डेवलपमेंट का इदारा यहाँ पर सेट होने के बाद आप जाके देखें ना वुमेन के डेवलपमेंट के अंदर क्या काम किया है ख्वातीन के उसके लिए कहीं पर कोई काम नहीं चल रहा है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर फिर एक तरीक़ाकार एक SOP बनाना होगा बना के फिर ख़वातीन को माशरे के अंदर इनके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद और अब इम्तियाजी सलूक हो रहा है इसको हम कौन कौन निकालेगा यही गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ये उलमा की ज़िम्मेदारी है माशरे की ज़िम्मेदारी है एक बाप की 2 बेटियाँ हैं 4 बेटे हैं आप खुद माशरे में चलते हैं आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो उन 2 बेटों के ऊपर
इतना खर्च करेगा, इतना खर्च करेगा, उनको एक्सपोर्ट तक भेजेगा। लेकिन एक बेटी में से एक बेटी अगर केआईयू के अंदर भी वो पढ़ने के लिए मंथली सेमेस्टर की फ़ीस मांगे तो उसके लिए वो तकलीफदेह होता है उस बाप के लिए। तो यानी वो अपनी औलाद ही शुमार नहीं करते। जो कर रहे हैं वो कम है, जो नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। तो लिहाजा माशरे से, माशरे में इस इम्तियाजी सलूक को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपनी बेटियों को माशरे के आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकते। अभी आप जाके देखें, मसलन ईरान की तरफ जाके देखें, सऊदीया में जाके देखें, क्या वहाँ पर खातून वो अपने हिजाब में आकर पूरे उस दफ्तर के अंदर बैठती हैं। वो हिजाब, वो ज़रूरियात है कि जो चीज़ें शरा ने, इस्लाम ने उसको दे दी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करके वो जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने नहीं किए। तो हमारे इलाके के अंदर बिलखसूस देहाती इलाकों में तो वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने जाकर काम किए ही नहीं है। अब उन देहातों तक पहुंचने के लिए देखते हैं, इसके लिए लंबी उम्र चाहिए। अच्छा, सियासी नूह चाहिए। हाँ, अच्छा शेख साहब, आपके पास ह्यूमन राइट्स का जो है वो डिपार्टमेंट भी है। इंसानी हुकूक़ के हवाले से हम बात करते हैं तो दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ की वायलेशन होती है। आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक़ की जो सूरत हाल है वो बेहतर है कि नहीं? क्या है यहाँ पे, क्या इंसानी हुकूक को जो है वो तहफ़ दिया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत से ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत से राइट्स आ जाते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपको एक इंसान के अंदर ह्यूमन राइट्स में हैवानात और जंगलात के ऊपर ला बना हुआ है, कानून बना है, लेकिन इंसानी ह्यूमन के ऊपर ला नहीं बना अभी तक। इसलिए यहाँ से आउटपुट कम समझते हैं, जंगलात से ज़्यादा समझते हैं। चूँकि एक हिरन में एक मारखोर को मार देंगे तो उनको कई डॉलर मिलेंगे, इंसान को मार दिया डॉलर नहीं मिलते हैं, आराम से मार देते हैं। अब मिसाल के तौर पर ताज़े वो मिसाल मैं आपको दे दूं कि जो लाहौर मोटरवे पे जो हादसा हो गया खातून के साथ, वो डिबेट चल रहा है टीवी पर। ये इस्लामी माशरे, ये ह्यूमन राइट्स ये होते? हाँ, वो DPO ने ये कहा, हम बुजदार साहब से पूछते हैं, हम यानी उस डिपार्टमेंट के अंदर या पुलिस के अंदर या वो जो हसास इदारे हैं कि जिन्होंने इनको लोकेट करके इनको निकालना है, वो अपना शरी फरीज़ा नहीं समझता है। शरी फरीज़ा समझ कर उसको निकाल कर दो को उसी जगह पर लटका दें, आइंदा के लिए माशरा ठीक हो जाएगा। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमारे यहाँ पर कितनी खुदकुशियाँ हो गई, कोई इसके ऊपर सोचे क्यों हो रही है? ये वजूहात क्या हैं? जब तक हम वजूहात की तरफ नहीं जाएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, कई बच्चे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मुझे खुद पता है। अच्छा, अब उस चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर, अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया, भीख मांगना गिलगित बल्तिस्तान में कल्चर नहीं था हमारा। आज गिलगित के अंदर लोकली अफराद भीख मांगने के लिए बाजार पर आ गए। ये कहाँ से चला, क्यों हुआ, इसका रोकथाम कौन करेगा? अगर हम ये कह दें कि भाई ये काम भी मसाजिद का है, ये काम गवर्नमेंट का, गिलगित बल्तिस्तान का है, उस डिपार्टमेंट का है कि जहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर है। आज गिलगित के अंदर माशरा जो बिगड़ रहा है, उस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए तो ये इदारे बन गए हैं। अब ये अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो ये माशरा जो है वो सुधर जाएगा। ठीक। अच्छा शेख साहब, आपके पास यूथ अफेयर्स, अगरचे आपके पास बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, हम सिर्फ हर मिनिस्ट्री के ऊपर एक सवाल करने जा रहे हैं, बाकी डिटेल में चीज़ें होंगी। अच्छा, यूथ अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है आपके पास, नौजवानों की मामलात के हवाले से, उनकी बेहतरी के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली जो यूथ की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 30-40% टोटल पॉपुलेशन का वो उसमें परसेंटेज है। तो इस हवाले से अभी तक हुकूमती सतह पर क्या काम हुआ है यूथ की डेवलपमेंट के लिए? यहाँ पर बेरोज़गारी का जो रेशो है, जो फिगर है गिलगित बल्तिस्तान का, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वनरेबल है, जो कि बहुत एक थ्रेट है, तो इसको आप क्या समझते हैं कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, आप उसके बाद यूथ की डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपका प्लान है या आपका महकमा काम करने जा रहा है? यूथ के हवाले से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक जहनी सोच बैठी है मेरे नौजवानों के अंदर, जो अक्सरियत है, वो बाकी दूसरे जो है वो थोड़े कम हैं। वो क्या बैठी है? पढ़ना है और गिलगित में आकर जॉब, मुलाजमत मुलाजमत मुलाजमत। ठीक, ये एक ज़माने में यहाँ गंदम सब्सिडी का मसला चलता था। मैं जब इधर से इस्लामाबाद गया
तो उस वक़्त मैंने यहाँ गड़ीबाग में बर्जेस ताहिर और मारवी मेमन आ गए थे, तो उस वक़्त मैंने अपनी स्पीच में एक जुमला कहा था कि जब बर्जेस ताहिर ने कहा था कि भाई गिलगित बल्तिस्तान क्या देता है, तो मैंने उसके जवाब में ये कहा था कि मैं एक जुमला कह दूँगा कि बर्जेस साहब, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ रोते हैं तो पाकिस्तान सैराब होता है, जब गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ रोना बंद कर दें तो पाकिस्तान में कोई फसल नहीं उगेगी, पाकिस्तान की फसलें नहीं उगेंगी, सब्ज़ा नहीं आएगा, शादाबी नहीं आएगी, ये पाकिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के रोने से पाकिस्तान सरसब्ज शादाब होता है। तो इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री में जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो उसने अपने पीए को कहा कि आप इस तरह करें, शेख साहब कहते हैं कि वहाँ गुरबत है, वहाँ तंगदस्ती है, आप इनको कल लेके जाइए सिंध और लाहौर के मजाफात की गुरबत को दिखा दें झुंपड़ियों को। तो मैंने उसको कहा था कि मोहतरम आप मुझे नहीं भेजें, मैंने खुद देखा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में फिर कर आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपके लाहौर और सिंध के मजाफात की जो गुरबत है, जो झुंपड़ियों में रहते हैं, वो मसनूई है, वो दिखावे की है, वो फराड़ है, गिलगित में ओरिजिनल है। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा वो इसी तरह से कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज तक आपने प्राइवेट कोई इंडस्ट्री नहीं लगा दी है। बिल्कुल, मेरा गिलगित बल्तिस्तान का जवान सुबह 8 बजे निकले और शाम 8 बजे तक पूरे गिलगित बल्तिस्तान की भी छांटी करे तो प्राइवेट लेवल की कोई 5,000 की मुलाजमत नहीं मिलेगी उसको। आपने यहाँ पर इसको गरीब रखा है कि सुबह निकले तो 8 से लेकर शाम 8 बजे तक एक जगह 15 से 20 हज़ार की जॉब करेगा और शाम 9 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक एक जगह पर काम करके 20 महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से वो किसी भी इंडस्ट्री, 2-3 इंडस्ट्री में काम करके वो कमा सकता है। आपने इसको इसी तरह से गुरबत में रखा है कि कहीं पर नहीं जाके ताकि आपके लिए वोट ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ पैसे दे दोगे तो कल। आपने मसूनी गुरबत रखी है, ठीक, आपने इनको पाला है इसी तरह से। तो गिलगित बल्तिस्तान, तो अब यहाँ पर अगर हमारे सारे नौजवान इस कोशिश में आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर जॉब मिल जाए, तो गिलगित बल्तिस्तान में जॉब मिलेगी कितनी, कहाँ से मिलेगी? ठीक, ठीक है, आप आ जाओ, क्या कर रहे हैं अब इन नौजवानों के लिए, आप आ जाओ प्राइवेट अपने काम पर, बिजनेस पर आ जाएं, इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्रीज खोलें, दुनिया है, हर पढ़ा लिखा नौजवान वो एक काम को मुतारिफ कर आगे लेकर आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान मालामाल है इन चीज़ों से, हमारे नौजवान काम नहीं करते हैं, लोग उधर से पंजाब से के पिके से इधर आकर काम करते हैं और इधर का नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो नौजवान के खुश होता है कि मैंने कराची से एक को उठा कर लाया, लाहौर से किसी को लाया, के पिके से किसी को लाया, हम यहाँ पर ये आप खुद क्यों नहीं करते हैं? आप मादनियात से मिनरल्स में आप मालामाल हैं, कॉपर और गोल्ड में गिलगित बल्तिस्तान का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकता है, जंगलात में आप वुड कारपेंटर के ऊपर काम करो, क्यों 15-20 जवान मिलकर वुड कारपेंटरी के ऊपर काम नहीं करते हैं? हम आर समझते हैं, मैंने एफ ए की है, मैंने बी ए की है, आर समझते हैं, नहीं भैया आर नहीं समझो। मैं जब मदरसे में पढ़ता था, मैंने सारी ड्राइविंग में मदरसे में सीखा, ठीक, उसके बाद फिर मैं आया यहाँ पर है, जब मैं गिलगित में, तो कुछ 4 साल पहले मेरे दिल में आया यार कल मैं मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी, तो बेहतरीन काम करने के एक्सवेटर का काम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मैंने 2 महीने लगाते और एक्सवेटर का काम सीखा है, जबरदस्त, मैं खुद एक्सवेटर पर काम करता हूँ, मैंने खुद 2 महीने लगा के सीखा, इसलिए कि कल मुझे काम करने की नौयत आई तो मैं जाकर एक एक्सवेटर लेकर काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक पठान एक एक्सवेटर यहाँ पर लगा के वो काम करता है, उसके घर के लिए भी आ जाते हैं, उस एक्सवेटर के एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, उसके लिए बचत भी है, गिलगित वालों के लिए बचत नहीं है, वो नौजवान आर समझता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ यूथ अफेयर के ऊपर काम नहीं हुआ, लेकिन यूथ खुद अपने लिए क्या काम कर रही है, मतलब यूथ खुद को आगे जाने सुस्त है, आयश परस्त हो गई है, यही हो गया बा, चूंकि इसके लिए मामला ये है कि बाप भेजो, बाप यूथ का जो है वो एटीएम है ना, वो आराम से पैसे देते हैं, एटीएम से पैसे निकलते हैं बाप से। अच्छा, इसमें टाइम भी अगर जो आपका काफ़ी हमने ले लिया, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आपने कहा मुलाजिमत का, डेफिनेटली हमारे यहाँ पे परसेप्शन ये है कि हमारे वालदेन भी हमें ये कहते हैं कि आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नौकरी करना है, यही चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में आने वाले 5 से 10 सालों में
नौकरीज़ की वैल्यू नहीं होगी, स्किल्स की वैल्यू होगी। और इस्लाम के अंदर भी ये जो हुजूर पाक की हदीस मुबारक है कि कारोबार में 9% बचत है, इस हवाले से हमारे उलमाए कराम ने इस पे काम नहीं किया, हालांकि इसमें बहुत इस हवाले से अवेयरनेस देने के लिए आप क्या कहेंगे, मतलब रोज़गार नौजवान कारोबार की तरफ जाएँ बजाय इसके कि सरकारी नौकरी की तरफ जाएँ। मैं तो अभी दो चीज़ें मैं शुरू करने वाला हूँ, नौजवानों से मेरी गुजारिश है आए मेरे साथ हम मिल के बना दें, NGO बनाएं, जितने जीबी के नौजवान मिल जाएं, अगर वो उनको मेरी बात पसंद आ जाती है। मैंने एक प्रोग्राम अभी शुरू किया और इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, हमारे जो SSP तनवीर साहब हैं वो मेरे साथ हैं, डॉक्टर इफ्तिखार हैं और जवार कलवाली साहब हैं और इनके साथ कुछ और साथी भी हैं। हम अभी ताज़ा मुझे डॉक्टर ज़ईम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में DHO हैं, वो मकाम है हमारे लिए, पहली बार तारीख में गिलगित की तारीख में पहली बार तब गिलगित का एक बेटा जो है वो वहाँ पर इतने मकाम पर आया। तो हम जितनी भी वो उसकी काबिलियत के ऊपर बिल्कुल फ़ख्र करें कम है, ठीक है ना। तो हम मिलकर एक काम प्रोग्राम ही बनाना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बिलखसूस में जो शुरू कर रहा हूँ कि हमारी जो ख़वातीन जो बच्चियाँ जो अवरेज हो गई शादी नहीं हो गए, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि भाई उनकी शादी नहीं हो गई कि जो इलाके के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये बेरोज़गार है, इसके बाप के पास भी पैसे नहीं हैं, ये खुद भी अब बेरोज़गार है, मैट्रिक पे मुश्किल कर चुकी है या ये मैट्रिक भी नहीं है, लिजा वो अवरेज हो गई है, वो एहसास से कमतरी में शिकार हो रही है कि कभी घर के अंदर उसके लिए कोई बात सही पहुँच जाती है, कभी खर्चा मुख्तलिफ मसाइल में वो गिरी हुई है। मैं दोस्त चाहता हूँ कि भाई ऐसी ख्वातीन को जो बिल्कुल तकलीफ़ात में, इनके लिए मैं दो सेंटर बना रहा हूँ, एक वोकेशनल सेंटर बना रहा हूँ और एक वुड कारपेंट्री के ऊपर सेंटर बनाता हूँ। वहाँ पर बाकायदा वह होगा कि बोर्ड लगा देंगे कि खातून ही ख्वातीन ही जाकर वहाँ अपने घर के दरवाजे, घर की खिड़की, घर के लिए टेबल, शोकेस, पलंग, ये सारी चीज़ें खातून जाकर पसंद करेगी और बच्चियाँ बना के उसको दे देंगी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुलाजिमत का जो 9% प्रॉफिट का फ़लसफा है, इसको सादा अल्फाज में समझा दें हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको कि ये इसका फ़लसफा ये कैसे है कि 9% बचत कैसे है कारोबार में, कारोबार में 1% बचत है, कारोबार में 9% बचत है, उससे भी ज़्यादा बचत है कारोबार। अच्छा, हदीस से हुजूर पाक की हदीस में, हदीस की तरफ आ जाता हूँ। सबसे बड़ी कारोबारी खातून जो है वो पूरी दुनिया की सबसे पहली खातून हज़रत खदीजा थी, जो वर्ल्ड बैंक की मैनेजर थी, जिस तरह अब कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, वो कोऑपरेटिव बैंक चलाती थी, कर्ज़े देती थी ना वो भी, जिससे कर्ज़ा खुद हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, शाम से कारोबार रख करके वहाँ आकर खदीजा के पैसे वापस करता था। तो उस वक्त वो मैनेजर थी, वो चीफ थी बैंक की, बाकायदा वो बैंक का तरीक़ाकार वो चलाती थी। उस कारोबार की वजह से खदीजा मलिके अरब मशहूर हो गई, मशहूर थी वो, किस तरह कारोबार किस तरह बचा। अब उसके बाद आप आ जाइए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये नहीं देखा है, हमने सिर्फ ये देखा है कि पैगंबर ने नमाज पढ़ाया है और अरब के अंदर कुछ जंगे जड़ लड़ने के बाद मुसलमान कराया, इसको देखा है, ये नहीं है। पैगंबर ने देखे, एक आदमी खजूर की गुठलियाँ लेकर पैगंबर के पास लेके जाता है, पैगंबर खजूर की गुठलियाँ लेके कहते कि ये भाई ये सारी खजूर की गुठलियाँ नहीं उगेंगी, दूसरे लाओ ये ख़राब है। दूसरी खजूर की गुठलियाँ लाए तो पैगंबर ने कहा ये गुठलियाँ ठीक है लेकिन इस महीने में इनकी काश्त नहीं करो, ये नहीं उगेंगी। जिस तरह यहाँ हमारे इधर एक माहौल है कि भाई आप जनवरी फरवरी जगह मार्च के एंड तक करोगे, उसके बाद आपके पास नहीं उगेंगी क्योंकि ज़मीन गर्म हो जाती है, वो सूख जाती हैं। इसी तरह से पैगंबर ने कहते कि मैं से कोई ऐसा पैगंबर नहीं है कि जिसने बकरियाँ नहीं चराई हो। पैगंबर ने ख़ुद कारोबार का बता दिया कि भाई कारोबार में, अब कारोबार के लिए आप जितनी मेहनत करोगे इतने आपकी आमदन ज़्यादा आ जाती है, जितने आप मेहनत कम करोगे, कारोबार के अंदर भी ये है कि आपकी बचत नहीं है, मुलाज़मत के अंदर ये है कि भाई आपको 25,000 30,000 40,000 80,000 85,000 रुपये आपको मुलाज़मत तनख्वाह मिलती है। आप हकीकतन देखो, एक एक करके जाके देखो, गवर्नमेंट मुलाज़मीन के अंदर 25,000 30,000 18,000, मुझे ये बता दो 18,000 की मुलाजमत करने वाला 4 बच्चों की फीस कहाँ से दे सकता है? मुमकिन ही नहीं है। 80,000 तनख्वाह लेता है, 1,00,000 से 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है एक सेक्रेटरी, बच्चे को जनाब अली वो लम्स में पढ़ा रहा है 4 बच्चों को, जिसकी 6 लाख सेमेस्टर की फीस है, किस तरह पूरा होता है? आप जब कारोबार के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे नौजवान जो है वो इस कारोबार में नहीं आते, पूरी पूरी गिलगित बल्तिस्तान की मीशत और कारोबार जो है वो पंजाब, सिंध और KPK वाले करते हैं। इधर मैं ताज़ा आया था बाबूसर टाप में, मैं उतरा,
मैं वहाँ पर परेशान हुआ, ये जो कुल्फियाँ लेकर नहीं चलते लड़के हाथ में, वो कहता है कि कुल्फी ले लो कुल्फी ले लो वहाँ पर। मैंने उसको रोक कर पूछा, बेटा कहाँ? क्यों? कहता है कि मैं गुजरांवाला का हूँ। ठीक, वो गुजरांवाला से आया है, कुल्फी हाथ में देकर लेकर बेच रहा है, दिन में अपना खाने के पैसे भी निकालता है, रात को रहाइश की किराया भी निकालता है, और वालिदैन के लिए बचत करके पैसा लेकर गुजरांवाला जाता है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान वाला के लिए बचत नहीं है, इसके लिए बचत नहीं है, क्यों? हम आर समझते हैं, इस काम को करते ही नहीं है। तो जब तक नौजवान जो है वो मिलकर मेहनत करके आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी जितने गिलगित के अंदर देखे एक्सवेटर्स के काम होते हैं, सारे हमारे के पीके के हैं, एक भी गिलगित बल्तिस्तान का आपका नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने ज़रिए ख्यालात से, आपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके पास जो मिनिस्ट्रीज थी उनके ऊपर जो है वो शेयर हासिल गुफ्तगू किया। इंशाल्लाह आपके साथ इस तरीके से हमारा सेशन जो है वो चलता रहेगा, हम आपसे वक्तन फवक्तन आपकी रहनुमाई हम लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में इस पैगाम के साथ कि डेफिनेटली माशरे के अंदर जो सोशल वर्क है दुनिया का सबसे एक अजीम काम है, हमें कोशिश करके अपने अपने सामाजिक काम में, सोशल वर्क में वॉलंटियरी जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अपना शेख नासिर ज़बानी हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितना स्ट्रगल किया है सोशल वर्क को प्रमोट करने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में, हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम भी अपने हिस्से का जो है वो कंट्रीब्यूशन करें इलाके की तरक्की के लिए, सामाजिक खिदमत के लिए, ताकि हमारा इलाका, हमारे इलाके के अंदर जो गरीब बसते हैं उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पर हल हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।